Hello students, welcome to our channel AS Technique, make your mind sharp. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में 8 महीने आप लोग आराम से घर में पड़े पड़े है ना ऐस करते रहे, पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी इन सब चीजों को करो घर के ना, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनल ईयर के एग्जाम कंप्लीट होने हो चुके हैं, स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोगों का रिजल्ट फाइनल ईयर वालों के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बोला कि सर बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना आपकी सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो AS Technique की हमारी टीम है, उस पूरी टीम ने सोचा कि बच्चों के लिए, ना केवल जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो आते थे उनके लिए, बल्कि जितने भी लोग हैं सब लोग फ्री में पढ़ो आप लोग आराम से, ठीक है। वीडियोस को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और पढ़ाई स्टार्ट कर सकें अपनी, और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। एक बात आप लोग याद रखें, जैसा आपको बताया जाए उस प्रकार से आप स्टडी करते रहें, ठीक है। 100% हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आने देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी जो क्लास स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, अर्थात जो आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मैथ की क्लास है वो रेगुलरली स्टार्ट होने वाली है। आज से हम मैथ फर्स्ट की क्लास, वो मैथ थर्ड की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, जिसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अपनी थर्ड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा, हमारे यहाँ जो पढ़ते थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। सेकेंड सेमेस्टर में चूंकि आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए हैं बैड लक, ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में जो इंट्रीगेशन वगैरह जो चीजें होती हैं, अगर आप लोग जागरूक थे, आपने घर पे स्टडी की होगी तो अच्छी बात है। जिनने नहीं की बिल्कुल भी, कि कोरोना आ गया है अब भैया हमारे पेपर तो होने नहीं है तो क्या करेंगे पढ़ाई करके, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का मैथ है उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा आपका, किसका, इन तीन पार्ट में, सेकेंड थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इन तीन पार्ट में इंट्रीगेशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिन्हें इंट्रीगेशन नहीं पढ़ी है, जो 12th क्लास से उन्होंने तो पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जिनने इंट्रीगेशन बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपनी इंट्रीगेशन कैसे भी करके मैनेज करके थोड़ा बहुत पढ़ लें, या फिर हमारे जो सेकेंड सेमेस्टर की जो हम क्लास लेंगे उसमें आप मैथ में इंट्रीगेशन की जो क्लास है वो देख करके आप इंट्रीगेशन की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं हम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो, इसमें हमारा जो सिलेबस है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे टोटल 5 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट हमारी मैट्रिक्स, दूसरी है डिफरेंशियल कैलकुलेशन कैलकुलस, तीसरी है डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथी है इंटीग्रल कैलकुलस, पांचवी है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। बस ये 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट में क्या है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आएगा वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स जो है, ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स है ये टोटल आपकी आने वाली है 12 नंबर की। वैसे अगर और लोगों की माने और जो भी लोग बात कहते हैं वो ये बोलते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो 17 नंबर की आती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि मैट्रिक्स 17 नंबर की आई हुई है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 12 या 15, बस इससे ज्यादा नंबर की नहीं आती है। तो देखते हैं जो हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बहुत से लोग बोलते हैं कोचिंग में कि अकेली मैट्रिक्स पढ़ लो हम पास हो जाएंगे, 17 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखो कि जो थर्ड सेमेस्टर की मैथ है इसमें हम आपसे गारंटी लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की मैथ बहुत सरल है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट को याद रखा, ठीक है, तो आप मैथ में 50 मार्क्स गेन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हमें 17 के भरोसे नहीं रहना है कि 17 आ जाए बस,
ठीक है। अच्छा अब ये चीज देते हैं जो लोग बोलते हैं कि 17 नंबर का अकेला मैट्रिक्स आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ साफ दिया गया है कि मैट्रिक्स जो है वो 12 नंबर या फिर 12 से लेकर 15 नंबर तक की मैट्रिक्स हमारी आ सकती है, ठीक है, 12 से 15 नंबर की। अब इस मैट्रिक्स में हमें कवर क्या क्या करना है, तो सबसे पहले एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स, इसमें हमें एडिशन मतलब मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैट्रिक्स के टाइप्स मतलब मैट्रिक्स कितने कितने प्रकार की होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिटियन क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटरमिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, बस इतना हमारा फर्स्ट चैप्टर में है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा या इसके अंदर जो हमें सेकेंड चीज पढ़नी है वो एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे मोस्ट चीज है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना, ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें हमें लीनियर डिपेंडेंसी एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर, डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ अ रैंक कि एक मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करी जाए, ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें सीखनी है। तो टोटल मैट्रिक्स शो की बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसको हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हमें जो कवर करना है टॉपिक वो ये है कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, ठीक है, उन सारी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन बहुत ज्यादा मोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है, ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हमें क्या कवर करना है, आइगेन पेयर्स कैले हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा मोस्ट है ये डिफरेंशियल सॉरी अपना जो मैट्रिक्स है उसमें से आइगेन वैल्यू निकालना और कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करना, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है या फर्स्ट यूनिट जो है मैट्रिक्स, उसमें हमें इतनी चीजें कवर करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये हमारी 10 नंबर की आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है, और ये 10 नंबर हम आपको गारंटी देते हैं कि 10 नंबर आपके 110% आप गेन करोगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत सिंपल पार्ट है। एलजेब्रा जो इससे पहले हमने पढ़ा है, जो हमारा क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है, उससे भी सिंपल पार्ट हमारा ये है, क्योंकि मैट्रिक्स के जो सवाल है वो बहुत ज्यादा लेंथी हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन चैप्टर सेकेंड का जो आपका चैप्टर यूनिट सेकेंड है उसके जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है और आसान है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है बस, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, जैकोबियन कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बाद वेक्टर कैलकुलस में हम क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रेशंस ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और जो हमारा वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन करना, वेक्टर का इंटीग्रेशन करना, ये सारी चीजें हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है जो थर्ड यूनिट है वो है हमारी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी 10 नंबर की आती है टोटल और ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन करना है ना, उसमें डिफरेंशिएशन में अपन ने एक चीज सीखी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। आप लोगों ने इस टाइप की इक्वेशन बनाई होंगी ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है ना, उन सब चीजों को हमें इसमें सीखना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनको। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, मतलब इसमें हम ये भी चीज सीखेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर की है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें हमारी ऑर्डर कितना होगा, दो होगा, ये हम आगे बताएंगे जो अपनी क्लास होगी। रेगुलर क्लास लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को जान पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और अपना मैथ का जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक करें, ठीक है, अच्छे से ज्यादा नंबर स्कोर करें। अच्छा एक चीज मत भूलें, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और लाइक ठोकते जाओ, समझे ना। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अब अपन को क्या सीखना है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के तरीके हैं, टोटल 7 टाइप होंगे उनमें, ठीक है। उन सारे टाइप को हम एक एक करके सीखेंगे और विश्वास मानिए आपको मुंह जुबानी याद हो जाएंगे, आप याद कर लोगे कि अरे टाइप फर्स्ट में ऐसे करना है, टाइप सेकंड में ऐसे करना है, कुछ नहीं है, लुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड और हाई ऑर्डर ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट का होगा अपना हायर ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें अपन दो चीजें फाइंड करना सीखते हैं, एक सीएफ और दूसरा सीखते हैं इसमें पीआई फाइंड करना। सीएफ फाइंड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। पीएफ पीआई जो है अपना उसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। सीएफ क्या होता है, पीआई क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम कब सीखेंगे, जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। फिलहाल हमें कहां से स्टार्ट करना है, फिलहाल अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स ऑब्व्यू से हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है बीटा गामा फंक्शन। अगला टॉपिक है हमारा बीटा गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, उसमें ये बीटा गामा फंक्शन है। फोर ईयर सीरीज भी अपना बीएससी सेकेंड ईयर में है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है। तो बीटा गामा फंक्शन, फोरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तीन टॉपिक आपके सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक होते हैं। हमारे लिए नहीं, हम नहीं कहेंगे कि क्रिटिकल है, ठीक है, हमें तो भैया नहीं लगता है क्रिटिकल, है ना, लेकिन आप लोगों को क्रिटिकल लग सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो बीटा गामा फंक्शन, फोरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में ही नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है ना, बाउंसर जा रहा, बाउंसर वो मैंग सिंह होनी मूवी में था ना, बोलते बाउंसर जा रहा, डक करते जा रहे हैं, बस वही चीज होती है। लास्ट लास्ट तक एग्जाम देने जाते हैं और बोलते रहते हैं फोर ईयर नहीं आ रहा, लाप्लास कैसे करना है सर जी, हमें तो कुछ आई नहीं रहा, बस हम तो भगवान भरोसे जा रहे हैं सर, अगर ये आ गया पेपर में तो फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। फोर ईयर सीरीज में मानते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें हम आपको केवल 5 से लेके 6 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो एग्जाम में आपको 110% आएंगे, उन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो बहुत आसान है, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। और इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये ठीक वैसे ही होगा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, वैसे लाप्लास का जस्ट अपोजिट क्या होता है इनवर्स लाप्लास होता है, ठीक। इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और हमारी मैथ थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ है वो यहाँ आके अपनी खत्म हो जाती है। प्रोबेबिलिटी इंटर में सब लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, खूब ताश खेले होंगे इसमें, बोलते हैं कि कार्ड है, कार्ड में से बेगम निकाली, बादशाह निकाला और इक्का निकाला, जो भी निकालना है, ठीक है, सब अपन यहाँ निकालेंगे, है ना। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में अपने 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे करने हैं, इनके क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये सब अपन, इतना सारा टॉपिक, इतने सारा सिलेबस है ना, और ये सिलेबस आप लोगों को महज कितने महीने में, 3 महीने में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि हम केवल इसी के भरोसे तो बैठ नहीं सकते, है ना, कि अकेली मैथ पढ़नी है ना, हमें तो बहुत सारी चीजें टॉपिक क्लियर करने हैं, जैसे कि मैथ हो गया, मैथ के बाद जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनको भी तो पढ़ना है भाई, तो मैथ जो है हमारी 3 महीने में आपको पूरी कंप्लीट करनी है, लेकिन हमारे यहाँ 3 महीने में नहीं कराई जाएगी मैथ आपकी, ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 1.5 महीने में, मतलब 1 से लेकर 1.5 मंथ में आप पूरी मैथ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो मैथ होगा वो रिवीजन में चलता जाएगा, ठीक है, 1 से 1.5 मंथ में आपका ये मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये है अपना मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स जो है वो होती क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑब्व्यू। अच्छा एक बात, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर बुक्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, एक अपनी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, एक कृष्णा पब्लिकेशन का बुक आ रहा है मार्केट में अभी फिलहाल में,
ठीक है, और एक बुक आपकी एशियन पब्लिशर है ना, एशियन पब्लिशर की बुक आ रही है, ठीक है। इसके बाद एक बुक एच आर लूथरा, जो राइटर है इसके, एच आर लूथरा, सारा शायद भारत भारती प्रकाशन की है, ठीक है। तो ये तीन बुक्स फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एच आर लूथरा बुक मैं बहुत स्टडी किया हूँ, तीनों बुक को मैंने देखा हुआ है, क्या है जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अभी आ रही हैं जिनमें पुराना ही सिलेबस है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल चेंज सिलेबस चेंज हो चुका है। तो एशियन पब्लिशर की जो बुक है हम आपको बुक दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये रही आपकी बुक एशियन पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये बुक है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर, पीके गुप्ता, पूजा यादव, जो पूजा यादव जी हैं वो हमारी बुक की भाभी हैं, ठीक है। और आपको एक बात की हम दिलासा दिलाना चाहते हैं, 100% हम आपसे को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बुक में आपको एरर बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। एरर इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये बुक हम लोगों ने अपने अथक प्रयासों से लिखी हुई है, ठीक है। अनुप्रयुक्त गणित थर्ड और एप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, दोनों मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है, बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप जाएंगे आपको मिलेगी। अच्छा एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश में एक-एक लाइन वाइज आपको जैसा हिंदी में थ्योरी होगा वही इंग्लिश में थ्योरी होगा, जो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में होगा वही क्वेश्चन नंबर हिंदी में होगा, ये इस बुक की विशेषता है। दूसरी इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें आपको एरर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो आपका नया अभी लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमने आपको बताया था, अभी दिखाया था जो सिलेबस, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ये जो हमारा सिलेबस था, ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो जैसा कि पहला टॉपिक अगर हम देखें इसमें, ठीक है, कि पहला टॉपिक क्या है आपका, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो भी यही है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैं कैमरामैन से अपने बोलूंगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं जिससे बच्चों को विजुअल हो जाए, ठीक है। इसका जो पहला आपका टॉपिक है वो है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सेम इसका जो पहला चैप्टर है वो भी कौन सा चैप्टर है आपका, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका सेकेंड चैप्टर है वो भी आपका क्या है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मींस क्या है कि जैसे सिलेबस, जो आपका सिलेबस जिस सीक्वेंस में दिया गया है सेम उसी सीक्वेंस में पूरी बुक लिखी गई है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस यहां से वहां नहीं मिलेगा, हर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी, हर एक चीज आपको समझा के बताया गया है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे और जो क्वेश्चन है वो इतने अच्छे दिए गए हैं, हर एक कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार आया है, ये सब चीजें आपको इस बुक में अवेलेबल कराई गई हैं। बच्चों की प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल इसमें बहुत ज्यादा दिए गए हैं जिससे बच्चे इसको समझ पाए। दूसरा, एग्जाम्पल समझ के ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कर पाए उसके लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है इस बुक में। मैंने खुद चैप्टर 4 जो है इसका, इसका जो आपका हमने अभी सिलेबस में आपको बताया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, ठीक है, उस बुक में आपका जो क्या बोलते ये है एक्स में पीआई की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो उन पीआई की वैल्यू फाइंड करने में किस टाइप से हम फाइंड करेंगे वो खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट है, कोई उसमें ये नहीं है कि किसी नेट से उठा के कॉपी मार दिया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, हैंड रिटन है जिससे बच्चा पढ़े और उसको एक बार में ही समझ में आए अच्छा ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बुक जो है इसमें जहां तक मैंने इस बुक को पढ़ा है और भी बुक्स को पढ़ा हुआ है वो भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और एक बात की गारंटी है कि इस बुक से क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो बाहर इस बुक के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप लोगों से हम यही बोलेंगे कि जहां तक है आप इस बुक को परचेस करें, ठीक है, ज्यादा प्राइस भी नहीं है, आपको उचित प्राइस पे आपको हर एक बुक स्टोर पे मिल जाएगा, आपके पास जो भी टेक्निकल बुक होंगे उन पे आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेस कर लें। अच्छा, और हमारी क्लास डेली लेते रहे, उस क्लास में हम आपको केवल इस बुक के क्वेश्चन नहीं बताएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम बोल रहे हैं आपसे ये बुक लो, मैं इसे इस बुक को केवल इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं, देखी हैं, ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो आप डायरेक्ट हम लोगों से बता सकते हैं कि सर इसमें इस टाइप की एरर है, तो उसको हम अगले सेमेस्टर के लिए दूर करेंगे। अब आपको कौन सी बुक खरीदनी है, आप वो बुक खरीदें,
हम हर एक बुक का क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, या हमारे जो लिंक में आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा वहां पे डाल दें, या आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा तो हमारे ग्रुप में डाल दें, जो भी है। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप वहां पे डालें, अगली वीडियो में हम आपको वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बुक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी हम आपको अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इन सब चीजों को छोड़ते हैं, ये सब हमने केवल इसलिए ताकि बच्चे जो हमसे पूछ रहे थे उनको पता चल जाए कि बुक अवेलेबल हो गई है, वो अब परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास डेली लें,